अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम अपनी कूह को तकलीफ दोगे, नुकसान पहुंचाओगे उसको। अरे अब वो कार है तुम्हारी अपनी, पिछले 7 सालों से वो किसी और की पत्नी है, तुम्हारी कोई नहीं है अब कूह। लेकिन तुमने उससे कभी प्यार किया था? बे इंतहा प्यार किया था राजीव। तो क्या वो सारा प्यार भुला के तुम कूह को नुकसान पहुंचाओगे? धोखा दिया है उससे तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी तुम्हारी जिंदगी, और खुद उसको देखो। और तो और आज एक पति भी है उसका। राजीव हमारी बात सुनो तुम। शट अप, जस्ट शट अप। हमको मालूम है हमको क्या करना है, मालूम है हमको। राजीव अचानक से 7 साल बाद अपने भाई को क्यों ढूंढ रहा है? चंदेल भवन में पुराना वक्त लौट रहा है। धीरे धीरे समय बदलने वाला है, वक्त और हालात सब सुधरने वाले हैं, और जल्दी भी को भी लौट कर आ जाएगी। बिल्कुल दादू। हाँ हाँ, अब बाहर आए, अब हम गेम खेलेंगे। गेम भी खेलेंगे, पर पहले भगवान को भवानी को थैंक यू बोलेंगे। हम जो महसूस कर रहे हैं ना, तो पहले थैंक यू बोलेंगे भगवान को। चलो चलो कान्हा। ओके चलो मंदिर। धीरे धीरे। जय मां भवानी। बाबा आरती लीजिए। ये कौन है? ये आरती है, तुम्हारी और इस घर की बहू है। ये अध्यक्ष की पत्नी। हमारी तो एक ही बहू है, लाखों में एक, देवी का साक्षात रूप। कौन दादू? Oh my gosh. Don't believe. चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं इस घर में। पहले राजीव आपके कमरे में आ गया, फिर 7 years बाद आप अपने कमरे से बाहर निकले, टहल रहे हैं। अब क्या क्रिकेट खेलने लगेंगे? खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। एक बार हमारी को हाथों जाने दो, हम बॉलिंग करेंगे और वो बैटिंग करेगी। ये रवादी फील्डिंग करेगी और ये हमारी नन्ही परी कनक एम्पायर बनेगी। आने तो तू कूको। बाबा आप कमरे में चलिए ना, 7 साल के बाद आप कमरे से बाहर निकले हैं, थक जाएंगे आप। चलिए चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। खुश रहो बेटा, ये भली लड़की है। Of course. सिर्फ यू की नहीं, आई की बहू भी लाखों में एक। चलिए ना बाबा। रहने दो बेटा, हम सबको प्रसाद दे दो, हम लेके जाते हैं। जी बुआ जी। मैं भी। चलो 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 दे। Of course. Very bad is happening. लेकिन हमसे ज्यादा इस घर की बड़ी बहू उस महारानी के लिए बैड लक है। ये हंसनी है कहाँ? जल्दी आओ हंसनी, इससे पहले कि ये सारा राजपाट तुम्हारे हाथ से निकल जाए। सही कह रही है मम्मी जी आप, कल से कहीं नजर ही नहीं आ रही वो नक्शड़ी हंसनी। हमें तो लगता है कहीं कोप भवन में बैठ के सिसक रही होगी बेचारी। कोप भवन क्या होता है? जहाँ रूठा हुआ इंसान ये सोच के बैठता है कि हमें कोई मनाने के लिए आएगा। ओ, और किसका हुका इंतजार है उसको? और कौन हो सकता है मम्मी जी, राजीव भैया उन्हीं का इंतजार कर रही है। पर मम्मी जी वो तो कई बार आए और चले भी गए, पर उनने एक बार भी अपनी दुल्हनिया के बारे में पूछा ही नहीं है। तब तो सिसक सिसक के उसके आंसू वहीं सूख जाएंगे। क्या पता मम्मी आंसू असली है या नकली।
कह तो ये सही रही है, लेकिन जो भी हो हर षड्यंत्र में साथ दिया है उसने हमारा, कुछ फर्ज हमारा भी तो बनता है। हम ही जाते हैं उसको कोप भवन से निकाल कर बाहर लाते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलती से भी मत जाइएगा, बिल्ली बड़ी खिसियाई हुई है, देखते ही झपट्टा मार देगी वो आप पर। और वैसे भी जिसका वो इंतजार कर रही है तो उन्हीं को जाने दीजिए ना मम्मी मनाने के लिए। फिर चाहे 7 जन्म उस नक्षड़ी को इंतजार क्यों ना करना पड़े। मम्मी जी वैसे इस घर की बड़ी बहू तो हम ही है ना। ऑफ कोर्स बॉस। फोन? हम जी जी मम्मी जी फोन। व्हाट्स हैपनिंग? मायके से है मम्मी जी, मायके से। वो वहाँ पे भंडारा है मम्मी जी, प्रसादी है, तो दोस्त लोगों ने शाम को रखा है, तो हम बाद में बात कर लेंगे, इतना जरूरी नहीं है मम्मी जी। धर्म कर, गुड वर्क। कोयल चुप। कोयल जाल में फंस गई। कोयल अब कैसे निकलेगी? कोयल जाल को काट देगी। कोयल काट काट काट। देखा अम्मा, अपनी शेरनी को काट दिया ना जाल। ए बकलू, जाल को तुम नहीं काटी हो, फीता पूरा काट दी हो, अब लगाएंगे का? तुमको तो हमारी बात कोई अच्छी नहीं लगती। हमको तो कोयल बहुत अच्छी लगती है। कोयल मार खाएगी, मार खाएगी। तो अच्छे कन्नों के पापा हैं। हाँ, और कूल कूल कूल, तुम तो हमेशा चिपचिप चिपचिप कुड 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 करती रहती हो। अच्छा, नहीं होगा कोनो पार्टी। जा, कनक के पापा बहुत ही कूल है ना। तू तो कनक का बर्थडे भी नहीं मना रहे हैं, कोनो पार्टी भी नहीं कर रहे। जा जा, तू भी जा, कुछ नहीं होगा। मैं तो मजाक कर रही थी, मेरी माता एकदम कूल है, सुपर कूल। माय अम्मा इज बेस्ट। मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, अपना गाल भी गीला कर दी है। जा 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 कनक के पापा के पास जा। हाँ? वैसे एक बात बता, वो जो तुम्हारे हीरो वाले अंकल है, उनका कोई नाम है कि सब लोग हीरो हीरो कहते हैं? अरे है ना नाम राज। ये क्या हो गया? ऊपर फट गया। 5 सीटी बज चुकी थी, तुमने बंद नहीं किया था का? माय भूल गए। अच्छा है, तुम कुकर को भूल गए, कुकर तुमको भूल गया, गुस्से में फट पड़ा। कुछ नहीं बोलती है मैं। और का? अब क्या होगा? जैसे लोग भी ना एक दूसरे को भूल जाते हैं, जैसे याद आती है ना तो फट पड़ते हैं। 7-7 से सिटी पर जी रही थी, ऐसा नहीं कि रिश्ते को हाथ से उतार दे, हट गए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे कोई है, कोई है? पानी पानी। देव, क्या हो गया देव? अचानक इतनी खांसी। बाबा अचानक से इतना खांसने क्यों लगे? देव, कि अचानक से क्या हो गया इस ओल्ड मैन को? अभी अभी तो वॉकिंग एंड टॉकिंग पक पक कर रहा था इतनी, और अब खोखो। क्या हुआ ऐसे? क्या होगा, जबरदस्ती का जिया जा रहा है और कहता है घर छोड़ेगा। उम्मीद शरीर में जान नहीं और लड़ने चला है कुश्ती। चलो अब देखते हैं। देव,
अरे कुछ कीजिए ना, एम्बुलेंस बुलाइए, हॉस्पिटल ले जाइए, तबीयत बहुत बिगड़ रही है। बुआ जी मैं हल्दी और तुलसी का काढ़ा लेकर आती हूँ, हो सकता है उससे आराम हो जाए। हाँ हाँ, लगता है टाइम आ गया है दुनिया से कुछ करने का। वैसे भी अगर दिस ओल्ड मैन चला गया तो उसके बाद ये कमरा खाली हो जाएगा और फिर मैं अपना जिम यहाँ शिफ्ट कर लूंगी। क्या है कि यहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। देखो देखो, जहाँ आपका जिम है उस कमरे का क्या? नहीं, इस कमरे में हम अपना नया ऑफिस खोलेंगे। यहाँ पे होगा एक बड़ा सा टेबल, उसके पीछे बॉस की कुर्सी, बॉस की कुर्सी पे बैठेंगे हम। रूम थोड़ा साफ कराना पड़ेगा, रूम साफ करना है। अरे हम कुछ कह रहे, सुनाई दे रहा है आपको? और सुन के करेंगे क्या हम? ये आदमी पति है हमारा, बाप है हमारे बेटे का, लेकिन बहुत जी चुका और खर्चा भी बहुत हो गया है इसका। देव, तुम ठीक हो जाओगे एकदम। देव, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देव, तुम सुन रहे हो? देव, कुछ नहीं होगा तुम। मर गए क्या? बहुत सच जान है, सिर्फ बेहोश हुए हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, मर जाए तो खबर देते ना हमें। आइए मत, चलिए चलो। देव, देव उठ जाओ ना। देव, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। देव, राजीव को फोन करते, ये बाबा की खबर सुनने दौड़ा चला आएगा वो। कुछ नहीं होने देगा तुम्हें, देख लेना। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।